ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। एक तरफ जहां पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं रोहतास जिला के विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में पिछले कई महीनों से ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। यहां तक कि लोगों के इस प्लांट के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जबकि विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है, जहां बहुत से मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात, इस हॉस्पिटल में लाखों की लागत से कुछ महीने पहले ही मिनी ऑक्सीजन प्लांट का संयंत्र लगाया गया, यहां तक कि ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े सिलेंडर भी स्थापित की गई। इसके अलावा सभी बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई के मक्कन पाइपलाइन की व्यवस्था की गई, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के आलम यह है कि सारा संयंत्र होने के बावजूद इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार ने लाखों की लागत से विक्रमगंज के इस अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी हम इसके उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह लापरवाही स्वास्थ्य सिस्टम के सवाल खड़े करती है। इस संबंध में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश कहते हैं कि इसकी पूरी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई है। कई बार अधिकारियों के दौरे भी इसके निरीक्षण के लिए आए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस संयंत्र का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कंट्रेक्टर लगा के चला गया, चालू नहीं किया। कितने दिनों से बंद पड़ा है? चार महीना से प्लांट का हुआ था तो आप यहाँ के उपाधीक्षक हैं अस्पताल के, आपने लिख के नहीं दिया कि ये ऑक्सीजन प्लांट बंद है, चार महीना लगे हो गया? कितने दिन पहले सीएस से कहा था आपने? हाँ, कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? यहाँ कल से हम एडमिट करवाए हैं, यहाँ ना आईसीयू है ना कुछ भी है यहाँ। ये लोग बोल रहे हैं कि लेकर चले जाइए। सासाराम भी हम पता लगाए तो वहाँ भी बोल रहे हैं कि सासाराम में यहाँ बेड उड नहीं है, यहाँ किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। अभी कोरोना में हॉस्पिटल में विक्रमगंज में गए हैं तो वहाँ भी बोल रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। बताइए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? यहाँ जान जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। क्या हुआ है इनको? इनको हुआ है जिसे लक्षण है कोरोना का, नेगेटिव बताया मगर इसको टाइफाइड बुखार है, पॉजिटिव निकला, ब्लड इन्फेक्शन निकला, मगर यहाँ इलाज रहेगा तब ना। झूठिया ऑक्सीजन लगा दिए हैं, बस वही चल रहा है, और कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दवा भी सही ढंग से नहीं, हम बाहर से दवा कम बेसी ला कर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवा भी नहीं दे रहा है। दवा भी कन्फर्म नहीं है, हम दवा जाकर खरीद कर लाए हैं, सुई लाए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार नाम पड़ेगा। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन मिल रहा है मगर आज बोले ना कि ऑक्सीजन भी हमारे पास कमी है, नहीं है, ले जाइए कहीं। तब बताइए, सब जगह हम पता कर लिए, कहाँ लेकर जाए? हालत मरीज का खराब है, व्यवस्था नहीं मिल रहा है, सही ढंग से नहीं व्यवस्था मिल रहा है सर। स्थानीय लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं। एक तरफ जनता की गाढ़ी कमाई की मेहनत में अस्पताल में ऑक्सीजन का संयंत्र स्थापित कर दी गई है, लेकिन इसके लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जानकार बताते हैं कि कमीशन खोरी के चक्कर में सिर्फ उपस्करों की खरीद की जाती है, लेकिन जो संभावित करने की सरकार की कोई मंशा नहीं रहती। आपको बताते चले कि पूरे देश में इन दिनों ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना को लेकर के पूरी तरीके से देश अभी बेहाल है, खास करके बिहार में जिस तरीके का स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को चिंतित होनी चाहिए थी, वो चिंता अभी दिखाई नहीं दे रहा।